अजीब सी कैफियत है यार, कभी ऐसे हुआ नहीं आज तक। भाई मेरी तो भूख से जान निकल रही है। तो आई हिट समथिंग, मैंने किसी चीज को मारा है। इट्स नथिंग, इट्स नथिंग ऑन माय कार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो जी उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल बिल्कुल ठीक ठाक। जी जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था कि भाई जी मुझे एमरजेंसी रोड ट्रिप पे जाना है, तो जी वो टाइम आ चुका है और आप जो जैसे देख सकते हैं कि मैं गैराज में हूँ और टाइम हो रहा है जी रात के 10 बज रहे हैं। ठीक है जी, इसका नाम 15 आवर्स ड्राइव। ज़्यादा बातें अभी नहीं करते क्योंकि भाई 15 घंटे की ड्राइव है और 15 घंटे का ये व्लॉग बनेगा। हमें सॉरी 15 घंटे का व्लॉग तो नहीं बनेगा, 15 घंटे मुझे 10-15 मिनट में कवर करने हैं। ठीक है जी, निकलते हैं अल्लाह का नाम लेके और खैर वाफियत से। दुआ कीजिएगा कि खैर वाफियत से जाऊं, जिस काम के लिए जा रहा हूं पता नहीं, जो अल्लाह को मंजूर हक में बेहतर हुई तो हो जाएगा, नहीं होगी तो वापस आ जाएंगे, जैसा भी है। चलो जी, और अगर आप लोग देखना चाहें ये देखें जी, बस ये है जी, ये मेरा बैक पैक है। जैसे कोई कपड़े नहीं, कोई कुछ नहीं, जो पहन लिया वो पहन लिया, बस निकलते हैं यहाँ से। बस एक मैंने शर्ट एक्स्ट्रा रख ली है वो मैं चेंज कर लूँगा, एक पजामा रख लिया जैसे, क्योंकि अभी जा रहा हूँ, सुबह पहुँचूँगा और अगले दिन वापसी है मेरी, या उसी दिन रात को देखते हैं जाके रास्ते में जो भी फैसला होगा जाके फैसला करते हैं। तो एनी वेज निकलते हैं जी और इंशाल्लाह रास्ते में जो जो बातें करनी होंगी आप सब करते चलेंगे। लेट्स गो। अ फ्यू इंचेस लेटर। ओके गाइस, तो जी फर्स्ट सुपर चार्ज, ये टेस्ला के सुपर चार्जर हैं, तो मेरा पहला सुपर चार्जर है और अपने शहर तलसा में ही है। अभी तलसा से नहीं निकला क्योंकि मेरे घर का चार्जर थोड़ा स्लो था, इसलिए उसको चार्ज करने में बहुत टाइम लगना था। सो आई डोंट नो, इट्स माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ टेस्ला। तो बाकी देखते हैं जी, अभी तो पहली 76% थी, तो अगर पता नहीं 100% चार्ज करूँगा तो 35 मिनट्स हैं चार्जिंग के, तो 35 मिनट्स यहाँ पर ही हैं। एनीवेज बस ये बता दूं कि जी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाऊं, लेकिन रात को मैं क्या दिखाऊंगा क्योंकि पूरी जो ड्राइव होगी मेरी वो रात की होगी। पर एनीवेज फिलहाल तो गाड़ी सुपर चार्ज हो रही है, ये मेरी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी सुपर चार्ज हो रही है, यहाँ से निकलेंगे फिर आगे आगे जहाँ जहाँ स्टॉप करूँगा मैं आप लोगों को वो जगह दिखाता रहूँगा। फिलहाल यहाँ पर गाड़ी चार्ज कर लें, बाकी दुआ कीजिएगा अल्लाह खैर वाफियत से ये जो सफ़र है वो कम्प्लीट हो जाऊँ और खैर वाफियत से वापस आऊँ, और बाकी जो कुछ होगा आप लोगों के साथ साथ शेयर करते रहेंगे। सो लेट मी चार्ज द कार एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट स्टॉप इंशाल्लाह, स्टे ट्यून। मैंने अपनी गाड़ी 100% चार्ज की है, वो इसलिए क्योंकि जो यहाँ से अगला स्टॉप जो आना है वो तकरीबन 3.5 घंटे के बाद आना है, सुपर चार्जर टेस्ला का जो सुपर चार्जर है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो इसलिए मैंने पूरी 100% गाड़ी चार्ज कर ली है। फ्लैशलाइट बंद करके आपको दिखाता हूँ कि कितने पैसे चार्ज किए इन लोगों ने, 76% बैटरी से लेके 100% बैटरी तक। ओके लेट मी शो यू। सो आप देख सकते हैं कि जी गाड़ी 17%, जो नेक्स्ट मेरा स्टॉप होगा वो तकरीबन 3 आवर्स 15 मिनट्स के बाद है, ठीक है, 183 माइल्स, क्योंकि तलसा से जो अगला सुपर चार्जर है वो उतना ही दूर है, तो इसलिए मैंने गाड़ी को 100% चार्ज कर लिया ताकि मैं भाई रास्ते में कोई मसला ना हो जाए। तो अब मेरा जब मैं नेक्स्ट स्टॉप पर रुकूंगा तो मेरी 17% बैटरी लाइफ बचेगी, ठीक है। और मैम आपको ये दिखाता हूँ कि इन लोगों ने मुझे चार्ज कितना किया है, तो ये है जी टोटल कॉस्ट इन लोगों ने जब तक मुझे चार्ज किया, $6.84, ठीक है। अब यहां से निकलते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं किसी गैस स्टेशन पर रुकूंगा कि स्नैक्स वगैरह ले लूं, कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और रात के 11 इधर ही बज गए हैं, ठीक है, तो कुछ स्नैक्स वगैरह ले लूं, पानी वगैरह लूं, फिर इंशाल्लाह अब आप लोगों से नेक्स्ट स्टॉप पे मिलूंगा और मैं आपको दिखा देता हूं मैं क्या स्नैक्स वगैरह ले रहा हूं, ठीक है। लेट्स गो टू द गैस स्टेशन, फिर वहां से जब मैं निकलूंगा तो इंशाल्लाह आप लोगों से अगले सुपर चार्जर पे मिलूंगा इंशाल्लाह। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके गाइस, तो मैं ये क्विक ट्रिप पे रुका हूं, बस अंदर चलते हैं, जो स्नैक्स लेनी है वो लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं अल्लाह का नाम लेके। ओके गाइस, तो मैंने ये दो चिप्स ले लिए हैं, बाकी बस पानी की बोतल लेता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ, यार देर बहुत हो रही है, ठीक है। चलो जी निकलते हैं अल्लाह का नाम लेके, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वहाँ पे रुकेंगे, वहाँ पे फिर कुछ एक्चुअल खाने के लिए देखेंगे, ठीक है। फिलहाल रास्ते के लिए ये लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टॉप 3.5 आवर्स के बाद आएगा। लेट्स गो। 12
12 o'clock midnight. यार आज आई थिंक लाइफ का कोई अजीबो गरीब ट्रिप है. लुक एट दैट, सड़कें वीरान हैं और रात के बज रहे हैं 12, रात के पूरे 12 बज गए हैं. बड़ी अजीब सी कैफियत है यार, कभी ऐसे हुआ नहीं है आज तक. शायद आई थिंक फर्स्ट टाइम अकेला ट्रेवल कर रहा हूँ, रोड ट्रिप अकेला कर रहा हूँ, शायद इसलिए ऐसा फील हो रहा है. इट्स सो वियर्ड वाइब मैन, समथिंग इज नॉट राइट, आई डोंट नो. जब से घर से निकला हूँ ऐसे कुछ लग रहा है. मैं रोड पे नजर रख रहा हूँ, ज्यादातर कैमरे में नहीं देख सकता, लेकिन सोचा चलो आप लोगों को अपडेट दूं जी. 12 बज गए हैं रात के और हम लोग जी रवा दवा हैं अपनी मंजिल की तरफ. बाकी आप रोड देख सकते हैं, खालम खाली है भाई, कोई इक्का दुक्का गाड़ी नजर आ रही है तो ठीक है, वरना कुछ भी नहीं है सड़क पे. खैर चलते हैं जी, इंशाल्लाह आपको अगली डेस्टिनेशन में मिलेंगे. और भूख भी लग रही है भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया, स्नैक्स लेके रखे हैं लेकिन मैंने अभी तक उनको हाथ नहीं लगाया, क्योंकि लाइक आई सेड बड़ी अजीब सी वाइब है यार. बाकी जो अल्लाह को मंजूर जी. फाइनली थोड़ी सी ब्रेक लगी है, चले जी इंशाल्लाह आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट स्टॉप पे. स्टे ट्यून्ड. Eventually. अल्लाह अकबर गाइस, बड़ी वियर्ड चीज हुई है अल्लाह की कसम. लेट मी सी माय कार फर्स्ट मैन. शुक्र अल्लाह का ये गैस स्टेशन सामने नजर आ गया फौरन. होली मौली मैन, आई हिट समथिंग. मैंने किसी चीज को मारा है, किसको मारा है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता. मेरी गाड़ी को तो कुछ नहीं है. यू गाइस वोंट बिलीव, अंधेरा घुप सड़क पे तो ये अचानक सब. बच्चा नहीं, रिंगता बच्चा सड़क के दरमियान अंधेरी घुप सड़क में. और जब मैंने गाड़ी थोड़ी स्लो की तो शक्ल उसकी इतनी ड्रोनी, आई हैव नो आइडिया मैन व्हाट वाज दैट. और मेरे कान में जिसने मेरे कान में कुछ कहा, कीप ड्राइविंग डोंट स्टॉप. आई स्टार्ट शेकिंग, मैं हाथ पांव कांप गए मेरे, मैंने आंखें बंद की मैंने रेस दे दी. एंड आई हिट दैट शिट, व्हाटएवर जो भी वो चीज़ थी मैंने उसको हिट किया अपनी गाड़ी से. और लुक, देयर इज नथिंग ऑन माई कार. एंड आई हिट दैट शिट, जो भी चीज़ थी उसको मैंने हिट किया. और एक ऐसी चीख की आवाज़ आई है, आई जस्ट कीप गोइंग, क्योंकि मेरे कान में कोई मुसलसल मुझे ये कहता जा रहा है कि भाई तू गाड़ी चलाता रहा, गाड़ी नहीं रोकनी. मैं घर से आज निकलो, मुझे पहले ही फीलिंग आ रही थी यार कि आज बड़ी अजीब फीलिंग है, कभी ऐसा नहीं हुआ. बहुत उदासी, इट्स वियर्ड, पता नहीं किस चीज को मारा है. लेकिन जैसा बच्चा रिंगता है ना, बच्चा क्रॉलिंग करता है, वैसे कोई चीज, लेकिन जिसकी शक्ल इतनी ड्रोनी थी, आई डोंट नो, आई जस्ट हिट इट. क्योंकि मेरे कान में किसी ने बोला कि भाई डू नॉट स्टॉप, गाड़ी नहीं रोकनी, चलाई जो. और लेको देखो कुछ भी नहीं है यार गाड़ी पे, कुछ भी नहीं है, लिटरली दिस नथिंग हैपन. आई डोंट नो गाइस, आई हैव नो आइडिया. लेकिन एक दफ़ा हाथ पांव फूल गए, मुझे नहीं पता यार. मैं अभी ड्राइव शुरू किया, मुझे लिटरली उन्होंने हाफ आवर हुआ है. मैं आज घर से निकल रहा था, पहली ऐसी फीलिंग आ रही थी कि यार पता नहीं. अपनी अम्मी को भी मैंने कहा, अम्मी मैं ज़रा जा रहा हूँ ट्रिप मारने, उनको नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, क्यों नहीं जा रहा, बस दुआ करना. दिल परेशान है आज, पूछते नहीं कहाँ जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा, क्यों जा रहा है. मैंने कहा कोई बस वैसे घूमने जा रहा हूँ, ठीक है. शुक्र अल्लाह का, जैसी गाड़ी हिट की उसके 5 मिनट बाद ये गैस स्टेशन आया. मैं फ़ौरन यहाँ पे मैंने ब्रेक मार ली है, मैं कहा भाई सांस ले लो, क्योंकि मेरे हाथ पांव फूल गए, मुझसे गाड़ी नहीं चल रही थी. मैंने फ़ौरन गाड़ी रोक ली. एनीवेज पानी वगैरह पीता हूँ, रिलैक्स होता हूँ. ऑब्वियसली जाना पड़ेगा, निकलते हैं अल्लाह का नाम लेके. आई एम शॉक्ड कि गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, जिस चीज़ को मैंने मारा है. दैट वॉज लिटरली सब बच्चा होता है ना, बच्चा, इट वॉज अ बच्चा. खैर चलो देखते हैं. एनीवेज गाइस, मैं ये स्टोर के अंदर आया हूँ यार, भूख बड़ी सख्त लग रही है, स्नैक भी अभी तक नहीं खाई. व्हाट इज दिस, ये क्या जी, बिहाइंड द लाइन स्टिल कुकिंग.
आई डोंट नो क्या लूँ यार, समझ नहीं आ रही, बड़ी सख्त भूख लग रही है। एनीवेज सच बताऊँ तो मैं अंदर सिर्फ थोड़ी ब्रेक लेने आया हूँ। एनीवेज चलते हैं जी यहाँ से, लेट्स गो। थैंक यू गाइस। गाड़ी में बैठ गया, 15 मिनट मैंने आराम किया, माइंड को रिलैक्स किया, आतल कुर्सी पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, निकलते हैं जी। ओके गाइस, भाई मेरी तो भूख से जान निकल रही है, तो मैं ये इधर अटोका पहुंचा हूँ। ये अटोका है जी जगह, तो ये एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट नहीं है, इस गैस स्टेशन। अंदर जाके देखते हैं कुछ खाने को मिलता है, तो यार मेरी तो जान निकल रही भूख से, मेरा तो स्नैक्स खाने को भी दिल नहीं करा। बाकी अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे, लेट्स गो। ओके जय, तो नहीं यहाँ पे कुछ खाने को मिलता है कि नहीं मिलता, लेट मी लुक एंड आई विल शो यू। स्नैक्स वगैरह हैं, लेट मी गो एंड लुक व्हाट आई कैन फाइंड, कुछ फ्रेश मिलता है कि नहीं मिलता यहाँ से, लेट्स सी। नेवर माइंड, देखता हूँ कुछ मिलता खाने को। मैंने ये विंग्स ले ली हैं, दे फ्रिकिंग लुक ओल्ड, लेकिन जैसा भी अभी भूख लगी है, आई डोंट नो क्या टेस्ट होगा, वरना ये बहुत मज़ेदार होती हैं, ये फ्रेश हो ना बहुत मज़ेदार होती हैं, लेकिन फिलहाल खाते हैं, भूख बड़ी सख्त लगी है और 1:30 हो रहे हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। ओके, लेकिन देख लो जी ये विंग्स हैं, करते हैं जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। They're cold but taste is good. तो जी अल्हम्दुलिल्लाह खा ली है, सच बताऊं तो आधी फेंक दी है, टोटल मैंने 8 ली थी, पता नहीं कितनी, आई थ्रो इट अवे मैन। पहली बात ठंडी यख, और ऊपर से यार दिल ही नहीं कर रहा यार, अजीब कैफियत है, समझ से बाहर है। एनीवेज ये यहाँ इस, ये एक ऐसा है जगह जहाँ पे मैं जब भी कभी डैलस वगैरह भी जाऊँ या ह्यूस्टन जाऊँ तो यहाँ पे लाजमी रुकता हूँ, क्योंकि मुझे इनकी विंग्स बड़ी पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे रुका था। लेकिन आज यकीन करो, जब से वो इंसिडेंट हुआ ना जो मैंने आप लोगों को बताया है, यार मैं कसम उठा के कह रहा हूँ, दैट वॉज रियल, एंड आई हिट माई कार, और मुझे मेरी गाड़ी कुछ आवाज़ आई कुछ इतनी ज़ोर से जो मेरी गाड़ी लगी है, फिर उसके बाद चीख, इंसानी चीख की आवाज़, बट मैंने गाड़ी नहीं रोकी, मैं चलता गया, और उसके बाद सिर्फ ये टाइम आ गया, मेरे कंधों में दर्द शुरू हो गई है बिला वजह, मेरे सर में दर्द शुरू हो गई है, मुझे ऐसा लगा मेरे कंधे, मेरे शोल्डर्स में बहुत पेन है, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। आज का ट्रिप जो है ना, और घर में लाइक आई सेड, मैं घर से निकलते हुए क्या बड़ी अजीब फीलिंग थी यार, मैं आई डोंट थिंक कि मैं वापसी, मैंने सोचा था कि मैं रात की वापसी कर लूंगा, लेकिन नहीं, अब यही है कि जाके दिन वापसी में दिन की ड्राइविंग करूंगा, रात की नहीं मैं करूंगा, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन मैन। एनीवेज जी यहाँ पे हम रुके थे, अब यहाँ से चलते हैं, और अब इंशाल्लाह हम रुकेंगे गाड़ी को चार्ज करने के लिए। भूख मर गई हुई है यार कसम से, जो खाना लिया फेंक दिया। खैर चलते हैं गाड़ी, फिर आगे जब चार्ज करनी है वहाँ पर रुकेंगे, फिर वहाँ से फिर आगे जो होगा देखते जाएंगे। मैं व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, पर पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा। एनीवेज चलते हैं जी, लेट्स सी। अल्हम्दुलिल्लाह अपने फर्स्ट जो डेस्टिनेशन थी ना वहां पे पहुंच गए, मतलब के फर्स्ट टेस्ला का सुपर चार्जर आफ्टर 3.5 आवर्स लेटर। चलो जी गाड़ी चार्जिंग पे लगाते हैं, और आपको याद होगा जब हम निकले थे तो उसने कहा था कि हमारे पास 17% बैटरी लाइफ रह जाएगी जब हम लोग इस स्टेशन पे पहुंचेंगे, लेकिन तो हम लोग तो 22 पे पहुंच गए हैं। लुक एट दैट, दैट्स कूल, दैट्स कूल, आई लाइक इट। चलो जी चलते हैं, निकलते हैं बाहर और गाड़ी को चार्जिंग पे लगाते हैं, लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है, और मैं आपको जगह भी दिखाता हूँ कौन सी जगह है, ठीक है। पहले गाड़ी चार्जिंग पे लगा लें, ये है जी चार्जर टेस्ला का, ये ऐसे निकाला, ये बटन दबाया, ओपन एंड
plugged in. Go green, go green, go green. There you go. It's charging. तो जी गाड़ी चार्जिंग पर लग गई है और मैं आपको बता दिखाता हूँ कि हम लोग इस वक्त कहाँ पे पहुँचे हैं। हम लोग फाइनली टैक्सिस के अंदर ओक्लाहोमा स्टेट से निकल के टैक्सिस स्टेट में एंटर हो गए हैं और उसमें ये है, लुक एट दैट, आई थिंक डेनिसन समथिंग लाइक दैट, डेनिसन और डेनिसन समथिंग। सो वी आर हियर। गाड़ी चेक करो जी, देखो कितना कीड़ा मरा है यार, तौबा। ये आपको मार्क्स नजर आ रहे हैं, सारे कीड़े मरे हुए हैं। लुक एट द विंडशील्ड, दैट्स क्रेजी भाई। अमेरिका के रोड्स पे कभी भी हिरन आ जाता है, कभी भी किसी किस्म का कोई भी जानवर आ सकता है, तो हमेशा एहतियात से गाड़ी चलाओ रात को। जो मेरे साथ हुआ है, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, लेकिन शुक्र अल्लाह का बच बचा हो गया, कुछ कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये गाड़ी मैंने 80% चार्ज कर ली है और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने अब कितने पैसे चार्ज किए हैं। जब हम तलसा से निकले थे हमारे पास 76% बैटरी थी, हमने 100% चार्ज की थी, तो हमने $6 सम सेंट पे किए, ठीक है। और अब 22% से 80% पे मैं बैटरी लेके आया हूँ, तो वो उसने कितने चार्ज किए, लेट मी शो यू। ये फ्लैश लाइट जरा बंद कर लूं, फिर दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो ये देखें जी, अब उसने चार्ज किया है, चार्जिंग पे जाओ, $15.18, ठीक है। तो समझ लो अभी तक $21 के अंदर हमारा ट्रिप जा रहा है। अब यहाँ से निकलते हैं इंशाल्लाह, आई थिंक डैलस जाके दोबारा गाड़ी चार्ज करनी पड़ेगी, तो देखते हैं डैलस रुकते हैं कहाँ रुकते हैं। और मैं एक और चीज बता दूं कि इसकी गाड़ी को मैं, यानी कि जो मैं चार्ज कर रहा हूँ उसके पैसे कैसे पे कर रहा हूँ, आपने देखा होगा यहाँ पे कोई नहीं है, ना मैं अंदर किसी गैस स्टेशन में गया हूँ पे करने, ना मैं, ना कोई बंदा यहाँ पे, ठीक है। आपकी गाड़ी का जो अकाउंट है ना, टेस्ला का जो अकाउंट है, उसके अंदर आपका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन होती है, तो आपने बस आना है, आपने बस गाड़ी को चार्जिंग पे लगा देना, दैट्स इट, वो ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी पे, आपके कार्ड पे पैसे चार्ज कर लेंगे, क्योंकि आपका कार्ड आपकी गाड़ी के विन नंबर के साथ अटैच होता है। तो जब जब आप टेस्ला सुपर चार्जर यूज करोगे, दे ऑटोमेटिकली चार्ज फ्रॉम योर कार्ड, गॉट इट। एनीवेज, लो जी अब चलते हैं यहाँ से और निकलते हैं इंशाल्लाह, बाकी जो होगा आपके साथ साथ शेयर करते जाएंगे। लेट्स गो। अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं सुपर चार्ज की, तो हमारे पास सिस्टम है 13% बैटरी। मैं डैलस रुकना था लेकिन मैं नहीं रुका, मैं आ गया टॉप ऑफ टॉप, सीधा जाते जाते जाते, क्योंकि डैलस बता रहा था कि 40% पे अब डैलस रुको, मैं कहा नहीं सीधा जाने दो, तो मैं 13% पे अब यहाँ पे रुका हूँ। तो आई थिंक यहाँ से हम चार्जिंग फुल करवाएंगे तो टॉप ऑफ टॉप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में जाएंगे इंशाल्लाह। पहले आपको स्क्रीन दिखाता हूँ फिर गाड़ी चार्ज करते हैं। लुक एट दैट, 13%, ठीक है जी। सो जरा प्लग कर लूं यार, चार्ज तो करें पहले। ओके गाइस, तो जी ये कुछ जगह है, आई डोंट नो कौन सी जगह, लेकिन इट्स काइंड ऑफ गेटो, गेटो कह लो या वियर्ड, मुझे वियर्ड फीलिंग आ रही है भाई। देखो कोई भी नहीं है यार, बस वो हाईवे है सामने, बाकी ये मेरी गाड़ी खड़ी है, चार्ज हो रही है, तो बाकी सामने आई थिंक कोई होटल वगैरह भी थे, होटल देखे थे उस तरफ है मेरे ख्याल से, उधर है रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, ये सामने रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, इधर उधर रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, उधर मैंने उस तरफ से आया हूँ, तो मैंने वहाँ पे होटल वगैरह देखे थे। खैर गाड़ी चार्ज करते हैं, मैं देखता हूँ कितने यहाँ से कितनी दूर रह गया, जितना भी दूर रह गया गाड़ी चार्ज करेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। एंड आई गॉट टू यूज बाथरूम टू गाइस, क्योंकि पानी की जो दो बोतलें थी बड़ी, एक एक लीटर की बोतल थी, दोनों ख़त्म हो गई हैं, और वैसे मुझे अब रुकना पड़ेगा किसी गैस स्टेशन पे, पानी पीना पड़ेगा, पानी भी लेना है क्योंकि भाई मैं पानी बहुत पीता हूँ, ठीक है। एनीवेज फिलहाल गाड़ी चार्ज हो जाए फिर यहाँ से निकलते हैं, किसी गैस स्टेशन पर रुकेंगे, पानी वगैरह लेंगे, फिर इंशाल्लाह अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में जाएंगे इंशाल्लाह। तो जी मुझे यहाँ पे, मैंने जैसे गाड़ी चार्ज की है, मुझे यहाँ पे क्विक ट्रिप मिल गया, इफ यू कैन सी क्विक ट्रिप, यहाँ से मैंने ये ले लिया भाई, आई वाज सो हंग्री, These are the chicken taquitos, chicken and cheese spicy taquitos. मैंने 6 उठा लिए, तो मुझे देख के कहती कि जो कस्टमर सर्विस वाली, she was like, you gonna take all of them? I said, yeah, I'm hungry. I did not eat. Anyways, let's go, guys. Time बहुत हो गया.
We gotta go. I'll see you guys after. और मैं ये खा के थोड़ी पेट पूजा करूंगा यार. I'm so hungry. I swear. मैंने वो विंग्स भी फेंक दी थी. खैर और जो चिप्स वगैरह लिए थे वो भी तो गुजर ही पड़े हैं, हाथ नहीं लगाया. चलो चले रिश्ते में खाता जाऊंगा यार, मजा. Let's go. 2 hours later. पूरी रात हो गई है जी गाड़ी चलाते, सुबह के 6:30 हो रहे हैं. Look at that. दिन निकल रहा है माशाल्लाह. ठीक है जी, बाकी सफर अभी भी जारी है जी. इंशाल्लाह उम्मीद है कि 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा, 11 बजे तक इंशाल्लाह वहां पहुंच जाऊंगा. तो 10 या 11 बजे कोशिश तो यही है. एनीवेज अब इंशाल्लाह आप लोगों से वहां जाके मिलूंगा यार. शायद ये दफा गाड़ी और चार्ज करनी पड़े, लेकिन मैंने देखा है व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से उस जगह पे पहुंच के वहां पे पहुंच के व्लॉग को खत्म करते हैं. ठीक है, आई विल सी यू गाइस देयर. Several bad puns later. अल्हम्दुलिल्लाह, जिस्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जहाँ पे पहुँच चुका हूँ जहाँ मुझे आना था, बल्कि 1 घंटा हो गया मुझे पहुँचे. मैं बस वो द पर्सन हु आई हैड टू मैट, जिस बंदे से मुझे मिलना था वो वेट कर रहा था पिछले 1 घंटे से, तो मैं बस फौरन आया हूँ, उससे मिला हूँ और अब मैं हो गया हूँ फ्री. अब मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को, और अब मुझे अब मैं ये सोच रहा हूँ मैं वापस तलसा वापस अपने घर जाऊँ या यहाँ पे क्या करूँ, आई डोंट नो. लेकिन फिलहाल तो अभी गाड़ी चार्ज करने आया हूँ. टेस्ला का ही शोरूम है ये, अगर आप लोगों को ये सारी टेस्ला खड़ी हैं, लुक एट दैट, मेरे सारी टेस्लास खड़ी हैं अराउंड. तो बस जी इधर पहुंच गए हैं. अब मैं यही सोच रहा हूँ कि यहाँ से ह्यूस्टन 3 घंटे दूर है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं 3 घंटे की ड्राइव वापस करके ना 3 घंटे की ड्राइव करके मैं ह्यूस्टन पहुंच जाऊं और अपने फ्रेंड की तरफ रात रह लूं और सुबह सुबह वहां से वापसी के लिए निकलता हूं. ऐसे कुछ करता हूं क्योंकि अभी तो कुछ समझ नहीं आ रही भाई. मैं बस मुंह उठा के आ गया, ना मैंने कोई बुकिंग करवाई किसी होटल की, ना कुछ फलाना टमकाना. एनीवेज चलो जी इस व्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ. इंशाल्लाह आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. अब वो व्लॉग होगा मैं ह्यूस्टन पहुंच के, जो मेरा दोस्त है भाई है मेरे दरीस भाई, उनके घर पहुंच के वहां से उस व्लॉग को स्टार्ट करूंगा और बस एक रात उनके पास रहना, आज ही की रात, सुबह सुबह वहां से भी निकल पड़ेंगे. खैर तो जैसा भी होगा आप लोगों के साथ ही शेयर करता रहूंगा आप लोगों के साथ. तो इंशाल्लाह जी अब आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और दुआ में याद रखें. और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज Do not forget to like and subscribe my YouTube channel. Plus, press the bell icon button. Also, share with your friends and family. सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर नहीं, आगे भी बढ़ना है. बट जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका शुक्रिया, लेकिन अब 1000 पे तो नहीं जाना ना, आगे भी जाना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा. फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम.